हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एमएस पेंट के बारे में। और एमएस पेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट का ये एक एक फीचर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक फीचर है जो कि किसी भी आप सिस्टम में देखेंगे तो उसके अंदर अवेलेबल होगा। ऑल राइट, मैं आपको एमएस पेंट खोलना दिखाता हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यूज़ करना। आप देखिए, सबसे पहले जो है विंडोज़ आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर जाके आप नीचे टाइप कर दीजिएगा MS और फिर पेंट। तो ये पेंट पेंट का देखिए आइकॉन आ रहा है MS पेंट का, इसको ओपन कर दीजिएगा। फिलहाल मैंने ओपन करा हुआ है और मैं इसी को डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है इसमें इसमें हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि कुछ 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 डिज़ाइन करें, कुछ ऐड करें, ताकि जो है फिर हम उसके ऊपर एडिटिंग करेंगे, कुछ पेंट करेंगे, कुछ कुछ ऐसा करेंगे। अब ये देखिए, मैंने जो है अभी मैं आपको शुरू से बताता हूँ मैंने क्या किया। मैं होम पे था, होम पे मैंने अभी कुछ टाइप करना है, टाइप करने के लिए ए बटन है, ये ए बटन पे क्लिक करेंगे मींस टेक्स्ट के लिए, और टेक्स्ट पे किया और आपका टेक्स्ट बॉक्स बन गया। आप उसको कहीं भी लोकेट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको फिलहाल यहाँ पर लोकेट कर दिया। कुछ आपने जैसे टाइप किया, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ भाटिया इलेक्ट्रॉनिक्स, आइए ऑनिक्स। अभी देखिए इसका साइज़ बहुत छोटा है, मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैंने पूरा टेक्स्ट को हाईलाइट किया माउस से, और यहीं पे ही जब मैं टेक्स्ट टाइप कर दिया उसके बाद यहाँ पे एक नंबर शो कर रहा है, ये मीन इसका फॉन्ट साइज़ है। ये फॉन्ट साइज़ मैं इंक्रीज़ करके मैं इसको इतना बड़ा करना चाहता हूँ ताकि ये थोड़ा विजिबल हो। अभी देखिए बॉक्स से थोड़ा बाहर हो गया है, फिर आपको बॉक्स को बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा, और इसको फॉन्ट साइज़ को थोड़ा और इंक्रीज़ करते हैं, मैं लास्ट 72 कर देता हूँ ताकि जो है इजीली विजिबल हो। अब आप देखिए कि जो है ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, हाईलाइट मैंने रिमूव कर दिया। अभी इसके चारों तरफ में बॉक्स बना हुआ है, जैसे ही मैं बॉक्स को रिलीज़ करूँगा तो उसके बाद में जो है ये मैं इसको सेंट्री लोकेट कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो है ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने रिलीज़ कर दिया, अब मैं वापस टेक्स्ट बॉक्स में नहीं जा सकता। मैं चाहूँगा तो एक मेरे को कुछ मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स है, और कंट्रोल जेड कर देंगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स पूरा हट गया, मतलब वो टेक्स्ट पूरा हट गया। टेक्स्ट बॉक्स को भी आप वापस हटा दीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए, हम चाहते हैं कि जैसे आप कोई भी चीज़, कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं आपको जो है कुछ चीज़ें क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक डिस्क क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि कोई एक ऐसी डिवाइस क्रिएट करते हैं जिसको हम ये आइकॉन्स आइकॉन्स यूज़ करके क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि एक माउस माउस बनाएं, एक छोटा सा कम जो माउस होता है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे बनेगा। अब देखिए, माउस के लिए जो है मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक तो मैं ये बेंड वाला जो है आइकॉन यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, कर्व है इसका नाम, और जो इसकी थिकनेस को मैं कर देता हूँ फुल पे। अभी जो है मैं बाउंड्री सारी ब्लैक रख रहा हूँ, आप चाहे तो बाउंड्रीज को कलर वन से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने साइज चूज़ किया था कि उसकी जो है लाइन का थिकनेस कितना होगा, ये देखिए अभी मैंने इसका थिकेस्ट लिया है, ठीक है। अब कर्व वाले को यूज़ करने के लिए देखिए, पहले तो आप यहाँ पे एक लाइन बनाइए, देखिए एक लिए लाइन बनी, इसी लाइन को जो है हमें थोड़ा सा दो बार में बेंड करना है हमने को, और ताकि थोड़ी माउस का एक शेप आए। जैसे देखिए मैंने दो बार में किया तो ये थोड़ा सी शेप में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं दोबारा से कर्व बनाऊँ, इसके बजाय मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल, जब ये हाईलाइटेड है कंट्रोल के साथ इसको करना है, और एक बार इसको रिलीज़ कर दीजिए, और फिर यहाँ पे हाईलाइट का सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करिए और इसको वापस को सिलेक्शन को लीजिए और कंट्रोल प्रेस करिए कीबोर्ड पे, और ये ऐसे कर दीजिए। देखिए अभी ये दो सी दिखा रहा है, दो सी मतलब इसको अब मेरे को रिवर्स करना है ताकि जो है माउस की थोड़ी सी शेप आ जाए। मैं रोटेट का एक आइकन है उस पर क्लिक कर रहा हूँ, और मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ ताकि हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो। अब आप देखिए कि ये दोनों जो शेप्स हैं वो एक साथ आ रही हैं, क्योंकि मैंने इसको 90 डिग्री जो है शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए, अब थोड़ा थोड़ा जो है अपना जो है माउस का एक मैं अपन आइकॉन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये शेप आई है, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी एक ऐसी वायर हो जाए, यहाँ पे जो है लंबी सी एक ऐसी वायर दिख जाए,
तो उस वायर के लिए जो है मैंने मैंने वापस से ही, जब आप कर्व पे क्लिक करते हैं तो कर्व पे पहले स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन को आपको अपने हिसाब से जो है कर्व देना है। अभी मैं फिलहाल इसको कोई कर्व देने की कोशिश करता हूँ ताकि जो है ये थोड़ा किसी वायर की तरह लगे। देखिए अभी थोड़ा वायर की तरह दिख रहा है यहाँ पे नीचे से, कि हाँ ये कर्व थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ वो बेंड आप 2-3 बार में करना पड़ेगा, ये बेंड्स ऐसे ही आएंगे। उसके बाद में देखिए अब जैसे आप कहीं पर अगर इसको छोड़ भी देंगे माउस को तो ऐसे डॉट आ जाएगा, इसको कंट्रोल जेड करके आप ही वो डॉट को रिमूव कर दिया। उसके बाद हम चाहते हैं कि बीच में एक ऐसे गोला सा मिले, उस गोले के लिए आई थिंक एक ओवल शेप मेरे को ठीक रहेगा। यहाँ पे ओवल शेप का बना हुआ है, मैंने बीच में ओवल शेप को सेलेक्ट किया और ऐसे कर दिया। तो ये देखिए मेरा ओवल शेप का माउस का जो बीच में एक वो सर्कुलर सा होता है वो होता है वो आ जाता है, मेरा भी माउस का एक ये सर्कल आ गया है। अब देखिए ये तो मैंने बना दिया मेरा माउस। अब माउस के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और एक अच्छी सी इसमें शेप ऐड करूँ, जैसे माउस हो गया। एक हम चाहते हैं कि एक कीबोर्ड भी आ जाए, तो इसके यहाँ पे हमको एक रेक्टेंगुलर कीबोर्ड चाहिए और उसके अंदर में हम जो है थोड़ी कीज ऐड करेंगे ताकि जो है ऐसा लगे कि कीबोर्ड है। तो मैं रेक्टेंगल का, यहाँ पे एक ऑप्शन है रेक्टेंगल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और भाटिया इलेक्ट्रॉनिक्स के जो टेक्स्ट है मेरा, टेक्स्ट के नीचे है भाटिया इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे, मैंने एक रेक्टेंगल शेप का जो है ऐड किया। ये देखिए ये रेक्टेंगल आ गया। अब इस रेक्टेंगल के अंदर मेरे को 2 डिवीजन बनाने हैं, ताकि एक डिवीजन में तो ऐसा लगे कि मेरे पास नंबर्स का पैड है और एक तरफ उसमें अल्फाबेट्स हैं। तो मैं अब वापस से मैंने 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 जब आप रेक्टेंगल पे क्लिक किया और यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो मैं आपको वापस दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहले रेक्टेंगल पे क्लिक किया है, फिर यहाँ से माउस को प्रेस करके यहाँ तक लेके गया और ये रेक्टेंगल आ गया। अब उसके बाद में स्ट्रेट लाइन पे क्लिक किया, स्ट्रेट लाइन को लेके यहाँ एक पॉइंट से लेके दूसरी पॉइंट तक लेके जाओ और यहाँ पे लाके छोड़ दो, तो ये नम पैड का डिवीजन आ गया। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ लाइन्स हम रिप्रेजेंट करें कि यहाँ पे कीज हैं, तो मैं उसी स्ट्रेट लाइन्स पे हूँ और मैंने जो है अब मैं लाइंस बनाना शुरू कर रहा हूँ। वही एक लाइन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, ये देखिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, फिर वापस से मतलब क्लिक करके रिलीज करना है ताकि वो जो है एक बार वो लाइन रिलीज हो जाए, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे कीबोर्ड की एक लाइन्स आ गई। अब मैं यहाँ पे एक नंबर पैड के लिए, डायल पैड के लिए वापस से रेक्टेंगल बनाता हूँ छोटा सा, ताकि वो रिप्रेजेंट करे कि मेरा डायल पैड है। उसके अंदर ही एक और रेक्टेंगल डाल दिया। और अभी देखिए अब अपने पास ऑप्शन है कि या तो मैं नंबर नंबर पैड के लिए छोटे छोटे रेक्टेंगल का यूज़ करूँ या फिर मैं स्ट्रेट लाइन का यूज़ करूँ। मेरे लिए आसान रहेगा कि मैं फिलहाल लाइन का यूज़ कर रहा हूँ, आप भी मोर एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि जो है स्ट्रेट लाइन इतनी स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो मैं स्ट्रेट लाइन की बजाय नॉर्मल ही लाइन का यूज़ कर रहा हूँ। अभी आप देखते जाइए मैं बना रहा हूँ इसको, ये ऐसे हुआ। तो अभी ये तो वो कॉलम्स आ गए और ये यहाँ से बस हर बार आपको क्लिक करके रिलीज करना है। और ये देखिए थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कीबोर्ड है भाई, यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस है। अब इसकी भी एक, अब चाहे तो इसकी भी एक वायर डाल सकते हैं कि हाँ भाई लगे कि ये भी एक कीबोर्ड है। तो मैंने वापस से वो कर्व्ड वाली लाइन चूज़ की, क्योंकि वायर यूजुअली कर्व्ड होती हैं, स्ट्रेट नहीं होती हैं। स्ट्रेट लाइन में और कर्व लाइन में ये फ़र्क है कि इसको 2 बार में बेंड देना ज़रूरी है कि लगे कि हाँ देखिए, अब मैंने 2 बार में बेंड दे दिया और ये लाइन का थोड़ा बेंड आ रहा है कि हाँ ये मैंने बेंड दे दिया है। उसके बाद आप चाहे तो थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस बनाना चाहें, जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या क्या हो सकता है। एक एक जो फीचर मेरे को इसके अंदर अच्छा लगता है कि इसके अंदर कुछ कुछ प्री डिफाइंड शेप्स हैं, वो प्री डिफाइंड शेप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि राइट ट्राइंगल हो गया, एक नॉर्मल ट्राइंगल हो गया। मैं वो शेप्स आपको बनाने की कोशिश करता हूँ उन शेप से ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जो है क्या क्या कोई 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 डिवाइस हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो उसकी भी कोशिश करते हैं। अभी देखिए जैसे ये अभी मैंने मैंने जो है राइट ट्राइंगल चूज़ कर रहा हूँ, और राइट ट्राइंगल को मैंने नॉर्मल ट्राइंगल को चूज़ किया है। और ठीक है, ट्रायंगल से कुछ हम सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है।
ट्रायंगल एक एक बेसिक शेप होती है, तो बेसिक शेप के हिसाब से हम कह सकते हैं कि दो दो हम ओके। मैं आपको फिर भी जो है एक बार डेमो पर्पज़ के लिए ट्रायंगल दिखाता हूँ कैसा होता है। ये देखिए, ये ट्रायंगल शेप ऐसे आ रही है यहाँ पे। ये नॉर्मल नॉर्मल 60 60 डिग्री का ट्रायंगल है, और ये राइट ट्रायंगल यहाँ पे ये आ गया। ये देखिए, एक ये राइट ट्रायंगल हो गया। अब मैं देखिए, अब जो ट्रायंगल मैंने कर लिया उसको मैं वापस से सिलेक्ट मतलब वापस से चेंज नहीं कर सकता। मैं इस ट्रायंगल पे जाना है तो इसको छोटा बड़ा करने के लिए मेरे को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्शन के अंदर वो पूरा जो है सिलेक्शन आना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कंट्रोल जेड किया और वो हट गया, और कंट्रोल वाई करेंगे वापस आ जाएगा। अभी मैं वापस से सिलेक्शन से इसको थोड़ा थोड़ा सा इसको थोड़ा पीछे करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने इस ट्राइंगल को सिलेक्ट किया, थोड़ा यहाँ ले गए, और आई थिंक अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि हाँ ये हो गया। उसके बाद में आप अगर जैसे यहाँ पे प्री डिफाइंड शेप्स है, एरो शेप है, ये एरो शेप यूज़ कर लीजिए। ये लेफ्ट एरो, ये राइट एरो, ये ऐसे हो गया ऐसे करके, ठीक है। अब जो है प्लस इसमें और भी शेप है, स्टार शेप आ गई है, और ये डायमंड स्टार शेप आ गई। उसके बाद में ये डाउन एरो हो गया कि ये डाउन एरो कैसे लगेगा। उसके बाद में कुछ आपको जो है चैट 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 ऑप्शन देना हो, ये देखिए, तो ये चैट का बबल है, और ये क्लाउड बबल में देना। अलग अलग टाइप के चैट बॉक्स हैं, स्क्वायर में, बबल में, क्लाउड शेप में। ये देखिए, ये सारे ऐसे शेप्स प्री डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद हम इनको देखते हैं कि इनको इनको कलर कैसे करें। अलग 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 कलर्स में इनको करने की कोशिश करेंगे, और मेन जो है टेक्स्ट मेरा ब्लैक ही रहेगा। अब वही देखिए, अब अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर में पूरे में कलर जाए, तो मैं यहाँ पे पेंट बकेट का एक ऑप्शन दिखेगा, पेंट बकेट के ऑप्शन में जाके, और यहाँ पे मैंने रेड कलर चूज़ करा, डार्क रेड, और ये देखिए ट्रायंगल में डाल दिया तो ट्रायंगल में डार्क रेड आ गया। किसी दूसरे में जाके मैंने दूसरा कलर चूज़ किया पैलेट से, और यहाँ पे कहा तो एक ग्रीन कलर आ गया। उसके बाद में ग्रीन कलर, अब जैसे थोड़े किसी में येलो कर देते हैं, किसी के अंदर में ब्लू कर देते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो है जो मैंने माउस क्रिएट किया था उसके अंदर में यहाँ पे पूरा पूरी जो है लाइनिंग फुल नहीं है। तो अगर मैंने पेंट बकेट को इसमें यूज़ करा तो ये पूरा ब्लू हो गया, लेकिन पूरा ब्लू नहीं चाहिए क्योंकि उसके अंदर में गैप है। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, और आप देखिए वो वापस से चला गया, ठीक है। उसके बाद में हम चाहते हैं कि जो है कि कुछ नॉर्मल नॉर्मल पेंट भी कर सकें। जैसे मैं डायरेक्टली हर बार पेंट बकेट यूज़ नहीं करूँगा, तो यहाँ पे अलग तरीके के ब्रशेज़ हैं, कुछ और हर ब्रश की थिकनेस अलग अलग होती है। मैं जो है फ़िलहाल एक थिक ब्रश यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, और उसको मैं, और हाँ, कलर्स चूज़ करने के लिए मैं एडिट कलर्स पे जा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, अब कलर का पूरा एक पैलेट रेनबो टाइप आ गया। उस रेनबो में से मैंने, मान लीजिए मेरे को ग्रीन अच्छा लगा, मैंने ग्रीन पिक किया, ओके पे किया, और वो ग्रीन मेरे उसमें पेंट में आ गया। अब मैं इस ट्रायंगल को पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, वो ओवरलैप भी हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो फ्री फॉर्म में पेंट हो रहा है। अब मेरा ट्रायंगल जो है मैंने अपने हिसाब से पेंट कर दिया, ठीक है। इसी ट्रायंगल में थोड़े और कलर ऐड कर देते ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने मैंने थोड़ा येल्लो ऐड कर दिया, और थोड़ा सा ब्लू ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा रेड ऐड कर देते हैं। हर बार आपको कलर पिक करना पड़ेगा और वो ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, तो मैंने जो है ऐसे करके इसमें इसमें शेप तो वही रही, लेकिन मैंने कलर्स अपने हिसाब से ऐड कर दिए। और ब्रशेस से आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, जैसे पेंसिल का एक आइकॉन है। अब मैं चाहता हूँ कि एरो की के अंदर मैं पेंसिल वाले से करूँ, तो ये देखिए, इसकी जो थिकनेस थोड़ी कम है, जो मैंने अभी यूज़ किया था उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, और कलर भी है उस हिसाब से आएगा पेंसिल की शेप और साइज़ के हिसाब से। और आपको थ्री थ्री कलर्स में करके बता रहा हूँ। ये देखिए, इसके अंदर भी मैंने कुछ कलर फिल कर दिया। अब ये पेंसिल का हो गया। और मैं आपको एक एक फीचर और बताने की कोशिश करता हूँ। एयर एयर ब्रश का एक फीचर है, वो ऐसे ऐसे डॉटेड लाइंस छोड़ता है। वो डॉटेड लाइन से क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि
कुछ स्पार्कल सा हो रहा है, तो वो स्पार्कल इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं पेंट ब्रश से। मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। पहले स्पार्कल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले मैं पेंट बकेट पर जाके ब्लैक कलर चूज़ किया और स्टार के अंदर में ब्लैक कलर डाल दिया। अब मैं वापस ब्रश पे क्लिक किया, वही सेलेक्टेड वाले ब्रश पे, और यहाँ से वाइट चूज़ कर लिया। अब इसके अंदर देखिए मैं छोटे छोटे वो छोटे छोटे वाइट स्प्रेस छोड़ रहा हूँ, और ये ऐसा इफेक्ट आएगा कि जैसे जो है देखिए ये स्पार्कल सा इफेक्ट आ रहा है स्टार में, हमने वो क्रिएट किया है, ऐसा हो सकता है। उसके बाद में जो है मान लीजिए आप कोई जो है हाँ, एक और फीचर मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को और डुप्लीकेट क्रिएट करना हो, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट पे जाइए, ये सेलेक्ट पे क्लिक किया, रेक्टेंगल पे गए, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर लीजिए ऐसे करके अपने सेलेक्ट आइकॉन से, और कंट्रोल दबा के उसको ऐसे मूव करेंगे तो उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने दो क्लाउड चैट क्रिएट कर दिए। और उसके अलावा जो है आप कोई दूसरी दूसरी भी इमेज को कहीं से कॉपी करके डाल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पे चूज़ करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं से एक इसके अंदर इमेज ऐड हो जाए। एक बार इसको मिनिमाइज़ करेंगे, दोबारा मिनिमाइज़ करेंगे, और ये फोल्डर से मैं पिक्चर्स में जाता हूँ। अब वहाँ से मान लीजिए मेरे को एक ये फ्लावर की इमेज है, ये मेरे को अच्छी लग रही है, इसको मैं एमएस पेंट में कॉपी करना चाहता हूँ। अब एक बार ओपन करते हैं इसको। एमएस पेंट की मैं आपको एक फीचर दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि वो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हो सकता है। ये हो सकता है इमेज थोड़ी सी बड़ी हो उसके हिसाब से, और इसको पिक करने में टाइम लग रहा है, फिर इसको बंद ही कर देते हैं। इसको राइट क्लिक करके मैंने इमेज को और इसको मैं एडिट पे जा रहा हूँ। अब ये डायरेक्ट एमएस पेंट के अंदर खोलेगा। मैंने राइट क्लिक करके एमएस पेंट पे गया, देखिए अभी जो है ओरिजिनल फोटो जो आपकी फ़ोटो थी, और इसको कंट्रोल करके मैंने माउस से छोटा कर दिया, अभी देखिए थोड़े छोटे साइज में आ गई। अब मेरे को क्या करना है, इस फ्लावर को सिलेक्ट करना है और इसको अपनी फ़ोटो में डालना है, ताकि जो है कोई नेचुरल फ़ोटो भी आप यूज़ करना चाहें। तो मैं सिलेक्ट पे गया और मैंने कंट्रोल जूम आउट किया था ताकि वो थोड़ा छोटा हो जाए। सिलेक्ट पे गए, फ्री फॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक किया, और ये ऐसे फ्लावर की एक शेप बनाई इस फ्लावर के चारों तरफ, और ये फ्लावर को मैंने ऐसे करके लास्ट पॉइंट तक सिलेक्ट करना है ताकि वो पूरा सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो ढंग से सिलेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ से आप कंट्रोल एक्स करें, डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से फ्लावर गायब हो गया, और आप गए अब आपके दूसरे पेंट पे इसी पे, और यहाँ पे आके आप कंट्रोल वी कर दीजिए, तो देखिए वो फ्लावर की एक्चुअल ओरिजिनल फोटो आई है, और साथ में जो है वाइट 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 भी आ गया। तो उसके लिए यहाँ पे आप सिलेक्ट के अंदर में ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को कर दीजिए, तो देखिए वो फ्लावर का वाइट वाइट चला गया, प्लस इस फ्लावर को हमें छोटा भी करना है, तो इसके सिलेक्शन के चारों तरफ एक बॉक्स बना हुआ, मैं बॉक्स थोड़ा छोटा करूँगा इसको। ये देखिए ये फ्लावर हमारा हमने छोटा कर दिया, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, वही सिलेक्शन के एक रेक्टेंगल पे यहाँ पे पॉइंटर है, वो पॉइंटर से और छोटा कर दिया, देखिए और छोटा हो गया। इस फ्लावर को थोड़ा और छोटा कर देते हैं, देखिए अब ये फ्लावर बिल्कुल छोटा हो गया। थोड़ा बहुत आपको जो है इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो साइज़ जो है वो ठीक आए, जैसे अभी इसको मैंने थोड़ा छोटा बड़ा कर दिया तो साइज़ थोड़ा फ्लक्चुएट हो गया है अभी जैसे, तो ये देखिए इसको यहाँ पे कर सकते हैं, या मैं चाहूँ तो इसको सिलेक्ट करके और ऐसे कर दिया, तो ये यहाँ पे अभी इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। इसमें ओवरलैप और आउटलैप का कोई ऑप्शन नहीं होता कि ये आगे पीछे हो जाए, ओवरलैप हो रहा है तो हो रहा है, आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। दूसरे 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 एडिटिंग के टूल्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस होते हैं, मैं वो यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ बेसिक पर्पज के लिए यूज़ करता हूँ, और मेरे को पता होता है कि मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा उस हिसाब से।
और उसके अलावा, हाँ उसके अलावा एक और अच्छा फीचर है इसके अंदर जो होता है, वो होता है कि कलर पिक करने का। अब जैसे मान लीजिए फ्लावर, फ्लावर के आप देख सकते हैं आसपास पिंक 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 कलर है, और मेरे पास जो है नॉर्मल कलर्स हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और कलर पिकर के ऊपर क्लिक करूँगा, वही पेंट बकेट वाले ऑप्शन के आसपास। ये कलर पिकर पे गया और मैं फ्लावर के बिल्कुल बाजू में जो पिंक सा कलर है मैंने वो पिक किया, यहाँ पे वो कलर सेलेक्ट हो गया। और अब मैं क्या करूँगा, ब्रशेस पे जाऊँगा, एक मोटा सा ब्रश लूँगा और उसके आसपास में वो कलर कर देते दे, ताकि वो जो ऐसे भद्दा सा नहीं लगे। ये देखिए, और वो ब्रश अपने हिसाब से उसको यूज़ करता रहेगा। अभी मैंने ऐसा ब्रश किया है कि जो जिसमें जो है कलर पूरा एक साथ फिल ना हो, वो आप अपने हिसाब से चूज़ करते रहिएगा। ये देखिए, यहाँ मैंने जो है इसका ब्रशेस का कलर मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहा हूँ। प्लस थोड़ा अगर आपको ब्रशेस थोड़ा थिन चाहिए, आप पेन का जो एक आइकन सा है वो यूज़ करेंगे। और ये मैं अब दूसरे दूसरे सिलेक्शंस को हटाते जा रहा हूँ। ये देखिए, ऐसे 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 करके, और आई थिंक अब ओवरऑल जो है थोड़ा सा बेटर लगेगा। अलग आप हर टाइप के ब्रश के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए, हर ब्रश जो है अपने हिसाब से आपको फीचर दिखाएगा। अब देखिए, आई थिंक अब फ्लावर फ्लावर थोड़ा ठीक लग रहा है कि हाँ भाई, यहाँ पे एक फ्लावर आया हुआ है। ये देखिए, ये अब जो है ये ऐसे लग रहा है कि मर्ज हो गया है इसके साथ में, बैकग्राउंड में मर्ज हो गया, और ये आपका ओरिजिनल फ्लावर था। उसके बाद में नॉर्मल एक एक इरेज का भी आइकॉन है, कुछ इरेज करना हो तो ऐसे यहाँ पे इरेज करते जाइए। मैं थोड़ा सा और करके दिखाता हूँ ताकि विजिबिलिटी में आ जाए। ये देखिए, ये वाइट पैच जो क्रिएट हो रहा है, ये आपका मैं इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। और बाकी सब कुछ आप कर लें, उसके बाद फाइल पे जाइए और इसको सेव एज करके सेव कर दीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू।